मालदारी लोग पहनते हैं। तो दिखाओ नहीं, ये दिखाया ना, कितने की आती है ये? तो ये महिलाएं भी पहनती हैं या सिर्फ पुरुष पहनते हैं? शादी करोगे उसमें जरूरी है ये पहनना ना? हाँ, जरूरी है, तभी लड़कियां मतलब आपको वैल्यू देंगी। हाँ। या लड़की के घर वाले आदमी पार्टी को? अरे भाई क्यों पब्लिक ना मन बजाने खबर न हो ने, पर परिवर्तन थे खरु। मैं जामनगर की तरफ जा रहा हूँ और कुछ लोगों से बात भी करूँगा कि यहाँ क्या है चुनावी माहौल। चाय की दुकान है और लोग यहाँ कैमरा देख के बचते हैं। और ये देखिए इनका एक खास गहना है, देखिए ये गहना पहनते हैं। क्या नाम है आपका, नाम क्या है? हिंदी में हम जाए हिंदी नहीं समझ रहे हैं। ये चाय बन रहा है, कुछ लोग इधर भी बैठे हुए हैं, यहाँ इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और ये लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, ये लोग हकीकत बताएंगे आपको। हैं भैया थोड़ा आराम से बैठ जाइए। क्या नाम है आपका भैया, बात करोगे? अरे वो पूछना है ये हाथ में जो पहने हो ये क्या है? ये वाला ये कलू है। तो कितने की आती है ये 25-30 हज़ार रुपये। तो दिखाओ तो जरा है ना, आराम से बैठो यार, गुजराती लोड नहीं लेते हैं। कितने की आती है ये? 30,000। चांदी की है ये? हाँ चांदी। और आपने दांत भी सोने का लगा रखा है? हाँ। दिखाइए ये कितने का आया? ये 1,000 रुपया। क्या करते हैं आप? रिक्शा था, ऑटो चला भाई। ऑटो चलाते हैं? हाँ। तो कितना कमाते हैं रोज का? 600-800 रुपया। 700-800। तो CNG है या पेट्रोल है डीजल है? CNG। तो CNG तो सरकार ने सस्ता कर दिया है। बहुत महंगा है। CNG तो सस्ता हो गया? नहीं भैया, आमदनी तो अब बढ़ गई है आप लोग की। नहीं CNG नहीं, महंगा चल किया गया, क्या सस्ता होगा का? तो आमदनी तो बढ़ी है ना? ये मेरी नहीं बात कर दी। अच्छा ये लोग बात नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? आप भी दिखाइए ना, आपका भी बहुत अच्छा है। ये कितने का आया? 40,000 का। चांदी है ये? चांदी है। और ये जो यहाँ कान का है? ये सोना है। तो ये इधर के लोग सब पहनते हैं ना, जो जामनगर लोग है वो पहनते हैं ये सब? मालदारी लोग पहनते हैं। तो दिखाओ नहीं, ये दिखाया ना। कितने की आती है ये? 50,000 की आती है। 50,000 की लिखा क्या है? आपके कान में नहीं है कुछ भी? नहीं। आपका क्या नाम है? करण। है करण। क्या करते हैं करण? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। तो CNG का दाम तो घट गया यार। CNG का कहाँ घटा यार, CNG का दाम तो बहुत बढ़ता ही जाता है। आमदनी घटी है बढ़ी है? बढ़ी है। आमदनी बढ़ गई ना? हाँ बढ़ी गई आमदनी। 50 रुपये। तो इस बार चुनाव में वोट डालोगे? वोट डालते हो कि नहीं? वोट डालता हूँ ना। कितनी उम्र हो गई? मेरा वोट नहीं डाल देगा ये दादा डालता, मेरे 17 वर्ष ही है अभी। नहीं हुई उम्र। लेकिन ये अच्छा लग रहा है। तो ये महिलाएं भी पहनती हैं या सिर्फ पुरुष पहनते हैं? कितना वजन है इसका? 600 ग्राम। 600 ग्राम चांदी है ये? हाँ। 40,000 रुपये का? हाँ। शादी करोगे उसमें जरूरी है ये पहनना ना? हाँ, जरूरी है, तभी लड़कियां मतलब आपको वैल्यू देंगी। हाँ। या लड़की के घर वाले, अगर ये नहीं रहेगा हाथ में तो शादी नहीं होगी? होगी ना ये हमारी पहले, वैसे ऐसा नहीं होता, पहनते ही ना पहनते ऐसा चलता है। इनके हाथ में तो है नहीं, इनकी तो शादी होगी नहीं। होगी ना, उसकी भी होगी। मेरे क्या में घर पे मिल के आया? घर पे वोट। अच्छा घर पे रख दिए हैं वोट। आपकी उम्र हो गई वोट डालने की? हो गया। किसको वोट करेंगे इस बार? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को? क्या आम आदमी पार्टी को? अरे भाई क्यों है? आम आदमी पार्टी क्यों क्यों उसको? अच्छा आप बात नहीं, डर लग रहा है। तो देखिए सब लोग बहुत सावधान हैं, यहाँ बोलना नहीं चाहते हैं कैमरे पर हैं। तो यहाँ झाड़ू वाला ज्यादा चल रहा है? हमको कुछ नहीं मालूम, ये सब इस भैया को मालूम है। क्या आपको क्या लग रहा है क्या इस बार यहाँ किसका कौन जीतेगा? बार नो क्या नक्की नो क्या भाई, तो मैंने आता परिवर्तन आवा खरु एम परिवर्तन करेंगे। फाइनल परिवर्तन था वालों क्यों? लेकिन मोदी जी तो यहाँ के हैं, गुजरात के हैं, प्रधानमंत्री तो अच्छा मोदी हारो बाबा हिला ना हारा ने।
पीछे वाला नहीं हारा ने मोदी अच्छा है पण वो आई गुजरात वाला नसे हारन गुजरात वाला अच्छा नहीं है मोदी तो दिल्ली जातो रियो बराबर आई नु जोर नहीं परिवर्तन थसी तो बार पाड़वानो बहु आसे ओसु होय समझ्या तो परिवर्तन होगा इस बार होगा 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 100% होगा। ये आम लोग हैं भले बात कम करें लेकिन जो इनके मन में है वो आपको बता रहे हैं। ये जामनगर का इलाका है, जैसे जैसे सूरत जामनगर कच्छ भुज की तरफ बढ़ेंगे तो आम आदमी पार्टी ने अपनी तेज़ी से जगह बनाई है और उन्होंने नारा दिया है परिवर्तन होगा। तो आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा बीजेपी को नुकसान कर रही है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, गुजरात के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, पटेल हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं, उनका दबदबा है, जमीन है, बिजनेस है। लेकिन जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनकी स्थिति खराब है। वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बैकफुट पर हैं और वो खुलकर अपनी बात भी नहीं कहते हैं क्योंकि इसी कम्युनिटी में उनको रहना है। तो ये है असली गुजरात। यहाँ लोग डरते हैं कि किसी के बारे में बात करने से कोई घर वसा रखी जाए, डरवा ना हो પણ એમ કે આ તો પબ્લિકના મન બધાને ખબર ન હોય ને, પણ પરિવર્તન થશે ખરું એમ એ કહે રહે કે પરિવર્તન હોગા। તો એ છોટે છોટે ક્લિપ સે આપકો કામ ચલાના પડેગા। યહાં પટેલ, બ્રાહ્મણ ઓર રાજપૂત યે ડેવલપ હૈ, બાકી કી જો કમ્યુનિટી હૈ જિસકો એસસી એસટી ઓબીસી કહેતે હૈ, જો બેકવર્ડ કમ્યુનિટી કે લોગ હૈ, ઉનકી હાલત ખરાબ હૈ, ચાહે વો એજ્યુકેશનલ હો, सोशल बैकवर्डनेस है, गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है, और वो पढ़ाई लिखाई में भी अपनी जगह नहीं बना पाए हैं और रोजी रोजगार उनका मजदूरी करके इस तरह से गाड़ियाँ चला के वो इस तरह से रोजी रोटी चलाते हैं। वो तमाम लोग हैं जो एजुकेशन से दूर हैं, शिक्षा से दूर हैं और वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। महिलाओं से भी हमने लोगों ने बात नहीं की है। कहाँ से आई हैं आप लोग? लोकल हैं? हाँ, राजकोट की। राजकोट से कहाँ जा रही हैं? खिजड़िया। अच्छा, कहाँ? खिजड़िया। खिजड़िया ये कहाँ है? ये आगे में 3-4 गांव के बाद आता है। क्या करते हैं आप? हम लोग खेती बाड़ी। खेती बाड़ी? हाँ। क्या क्या खेती होती है? खेती गेहूँ का, कपास का, फूल का, गुलाब का, सब होता है। तो इस बार किसकी लहर चल रही है, इस बार वोट किसको डालेंगे? अभी गेहूँ चलता है, गेहूँ। गेहूँ तो वोट किसको डालेंगे? वोट इस बार बहुत यह समझ में नहीं आया। चुनाव चुनाव इलेक्शन 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 देगा भाजपा को। हाँ, क्यों? हम उसी को देते हैं तो उसी को देंगे ना। अच्छा, उसी को देते हैं इसलिए उसी को देंगे। हाँ। और है, आपको क्या लगता है भाई साहब, इस बार क्या हो रहा है? पता नहीं अब क्या होगा। क्या नाम है? विजय। विजय। हाँ। कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। अब ये लोग जानते हैं ना, हम तो मजदूरी में काम करते हैं। मजदूरी करते हैं? कहाँ? वो सीमेंट का, माता मंदिरों का मजदूरी करते हैं। महिलाओं से हमने बात नहीं की है। तो आपका नाम क्या है? गीता बेन। गीता बेन, तो आप भी काम करती हैं घर में? खेती। खेती तो वोट डालेंगी? हाँ। कितने बच्चे हैं? 4। क्या करते हैं सब? करना धंधा। धंधा? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी तो सब ठीक है, महंगाई उंगाई तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? महिलाओं से भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा है। पटेल, ब्राह्मण और राजपूत जो जडेजा है, वो लोग पढ़े लिखे भी हैं, ज़मीन भी है, संसाधन भी है। बाकी कम्युनिटी के लोग इकोनॉमिकली, सोशली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। अगर इकोनॉमिकली ठीक भी हैं तो सोशली बहुत बैकवर्ड है, एजुकेशन बहुत कम है और अभी भी वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसके प्रति अवेयर नहीं है। धार्मिक लिहाज से वो कट्टर हिंदू हैं, ये गुजरात की हकीकत है। और इसलिए बिहार यूपी के लोग जातिवादी कहते हैं क्योंकि वहाँ का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अपने हक अधिकार के लिए सचेत है, यही फ़र्क है। बहुत मुश्किल है यहाँ बैकवर्ड कम्युनिटी से, शेड्यूल कास्ट से, ट्राइबल से बात करना क्योंकि उनके यहाँ एजुकेशन पहुँची ही नहीं है। शहरों पर पटेल, ब्राह्मण और जैन और राजपूतों का कब्जा है। ग्रामीण इलाकों में जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं
जो वो हैं, और वो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा हाशिए पर हैं, पिछड़े हुए हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। यही है गुजरात मॉडल जो पूरे देश में लागू करने की कोशिश हो रही है, ताकि एजुकेशन को ख़त्म किया सके, ताकि लोग और ज़्यादा शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हो जाए और धर्म की चपेट में आए और अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति सचेत न रहें। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, राजकोट, गुजरात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।